बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना कैरियर आरंभ किया समाज सेवा के क्षेत्र में, 1919 में फ्रेंचाइज आया, यानी कि मताधिकार, वयस्क मताधिकार, जो व्यक्ति 18 साल का होगा उसे वोट देने का अधिकार मिले। तो ये समझ गए थे कि अभी तो इस देश में एक ब्राह्मण का ही कहना चलता है, ब्राह्मण गांव में खड़ा हो जाएगा, मजाल है कि गांव का कोई आदमी ब्राह्मण जी की अनदेखी कर दे, जैसे वो कहेगा वैसे ही होगा। मगर अब क्या हो गया, अब तो भैया जो आदमी आएगा डब्बे में वोट डालेगा, पता नहीं किसको दे दिया, ब्राह्मण की महिमा खत्म हो रही है। तो उन्होंने इसका विरोध किया। वो विरोध करने के लिए ये नहीं कहते कि वे फ्रेंचाइज वापिस करो, वो बड़े तरीके से चलते हैं, बड़े षड्यंत्रपूर्ण तरीके से चलते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप वोट का अधिकार दे रहे हैं ना, उनको दीजिए जिनके पास कम से कम 50 एकड़ जमीन हो। मगर 50 एकड़ जमीन पूरे देश में हमारे तो किसी एक आदमी के पास नहीं थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा, वो बात जब टर्न डाउन हो गई, रद्द हो गई, तो कहा कि भाई वोट देने का अधिकार आप उसको दीजिए जो इनकम टैक्स पे ही हो। वो बात भी आई गई हो गई। उसके बाद कहा कि नहीं, वोट कम से कम वोट का अधिकार उसको होना चाहिए जो ग्रेजुएट हो। हमारे समाज में कोई ग्रेजुएट नहीं, अजीब कमाल। तो जैसे तैसे करके अंग्रेजी शासन था, बीजेपी का शासन वो नहीं था, मोदी का शासन वो नहीं था, उन्होंने कहा फ्रेंचाइज लागू होगा, फ्रेंचाइज लागू हुआ। ये 1919 में समझ गए थे कि इस देश में क्या होने वाला है। और जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से कहा कि वन वोट वन वैल्यू, वन वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी को एक वोट का अधिकार और एक वोट की वैल्यू बराबर, तो सब तूफान आ गया। ये क्या हुआ, राजा का भी उतना ही मूल्य वोट का, फकीर का भी उतना ही मूल्य वोट का, एक पुजारी का भी उतना ही मूल्य वोट का, एक सड़क पर पड़े हुए व्यक्ति का भी मूल्य वही वोट का, ये क्या हुआ। तो फिर उन्होंने एक नई योजना बनाई कि तुम इस वोट देने वाले को ठगो। वोट देने वाला गरीब है उसे नोट दिखाओ, वोट देने वाला दुर्व्यसनी है, शराबी है, जुआरी है, उसे दारू का पौवा दिखाओ। तो जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र इनको दिया था, उससे बड़ा अस्त्र कोई हो नहीं सकता, उसको फेल करने के लिए ये वोटर को रिश्वत देने पर उतर आए। अब जगह जगह कहते हैं ना भाई, मैं तुमको क्या कहते हैं उसको, मंगल सूत्र देंगे हम, साड़ी देंगे हम, अब दारू की बात नहीं करते हैं, हम तुमको लैपटॉप देंगे, हम तुमको बाइक देंगे, हम तुमको साइकिल, ये क्या सब चीजें हैं, ये सब असंवैधानिक है, ये ब्राइब है, रिश्वत है, अनैतिकता की पराकाष्ठा है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस क्रांति को फेल करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।